यदि लैपटॉप हैंग हो जाए तो उसको कैसे ठीक करें। देखिए हमें यहाँ पे कहीं भी क्लिक करूँगा यहाँ पे किसे किधर भी, तो मेरा देखिए कोई भी आइकन क्लिक नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। देखिए कोई भी जो हमारा डेस्कटॉप आइकन हो चाहे कोई भी आइकन क्लिक नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ तक कि जो जो हमारा टास्क बार है वहाँ पर क्लिक नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर मैं विंडो को भी क्लिक करके कुछ कर पाऊँ, यहाँ पर देखिए कोई भी हमारा आइकन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी चीज़ क्लिक नहीं हो पा रहा है। मैं कोई भी चीज़ खोल नहीं सकता हूँ, ये पूरी तरह से हैंग हो चुका है हमारा जो पूरा सामने वाला है। सिर्फ एक आइकन काम कर रहा है जो जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी सारे के सारे सब वो चीज़ हैंग हो चुके हैं। मैं किसी को भी क्लिक करके कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, ना मैं ओपन कर सकता, ना कोई ब्राउजर ओपन कर सकता। यहाँ पे गूगल क्रोम भी हैंग हो चुकी है, गूगल क्रोम भी नहीं ओपन हो रहा है हमारे यहाँ पे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ओपन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। मैंने एक मिनट क्लिपर रखा है, वो भी कोई भी चीज़ यहाँ पे देखिए ओपन नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए बस एक ही तरीका है, वो है इसको शट डाउन करना। इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसे आप कोई बटन ही काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे? आप देखिए मैंने कोई बटन टिप रहा है, कोई बटन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो इसको सिर्फ एक ही तरीका है दूर करने का, वो है पावर बटन से। यहाँ पे देखिए ये भी अगर क्लिक होता तो यहाँ से मैं पावर बटन क्लिक कर देता, लेकिन यहाँ से कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, ना यहाँ से कोई ऑप्शन आ रहा है कि मैं यहाँ पर सर्च कर सकूँ। कोई भी एप्लीकेशन सर्च नहीं कर सकते, कोई एप्लीकेशन देख नहीं सकते हैं, किसी प्रकार का ये भी इसमें खोल नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, किसी किधर भी क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ तक किसी भी ऐप पे कोई भी आइकन पे सारे के सारे हैंग हो चुके हैं। अगर मुझे इसको दूर करना, बस एक ही चल रहा है जो कि हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्ड है, बाकी कुछ भी नहीं। वही पहले से खुला था, बाकी सारे के सारे हैंग हो चुके हैं। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए बस एक ही तरीका है, वो है हमारा रिबूट करना, इसको बंद करना। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि जब हम इसको बंद करेंगे तो ये पूरी तरह से स्क्रीन रिकॉर्ड भी खत्म हो चुका रहेगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको पावर बटन को मैं पहले बता दे रहा हूँ क्या क्या करना, प्रोसेस क्या है। तो पहले आपको क्या करना है, पावर बटन को दबाना है कुछ समय तक, और तब तक दबाए रखना जब तक कि पूरी तरह जो स्क्रीन है ये बंद ना हो जाए। और स्क्रीन जब बंद हो जाएगा उसके बाद से आपको 10 सेकेंड या 8 सेकेंड बाद आपको क्या करना है, ओपन करना है, किसको पावर बटन को दबाना है, और तब तक दबाए रखना है पावर बटन को जब तक यहाँ पे पूरी तरह से स्क्रीन पे मतलब कुछ कलर ना आ जाए, ठीक, मतलब ओपन ना होने लगे, ठीक है। और इस तरह से आप बहुत आसानी से खोल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं कोई भी क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी इतना बड़ा लोगों 57,000 का ये लैपटॉप है फिर भी यह हैंग हो जा रहा है। तो चलिए तो पूछिए कि अगर इसके कम कम दाम का लैपटॉप उनका क्या हो रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइम पहले इसको बंद करें हम, ठीक है ना? तो ओके।